हाय दोस्तों, तो हम आए हैं अपने घर पे देहरादून और वो है पहाड़ियाँ मसूरी की। तो आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, यहाँ से मसूरी व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और आज हम जा रहे हैं येलो हिल्स में, जो देहरादून में नया खुला हुआ है। तो चलिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ येलो हिल्स में। हिमालयन वाइन टी है हमारे, ग्रीन टी, इसमें प्योर ग्रीन टी है और इसमें वाइन का आपको एक अरोमा आ जाता है। तो वाइन है, वाइन का तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। यू कैन नॉट फाइंड आउट इन ऑल केदर, ये पूरे देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में यू कैन नॉट फाइंड आउट। ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। तो दोज हु आर लाइक जो जिनको हैबिट होती है, जो शौकीन बोलते हैं ना, तो वो ये टी ले सकते हैं। जैसे वाइन टी हो गया, रम टी हो गया और ब्रांडी टी हो गया। सो ये टी बेसिकली येलो हिल्स हमारा स्टैंड करता है एक ऑर्गेनिक स्टोर में और एज वेल एज मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में। ठीक है, हमारे पास पूरे उत्तराखंड से अलग 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 ज़िले से अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। कम, आई विल शो यू द प्रोडक्ट्स। और उन्होंने जो यहाँ का वो बनाया हुआ है थीम वगैरह, वो पूरे हमारे उत्तराखंड का बनाया है। तो आप इस रेस्टोरेंट को पूरा देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने पूरा उत्तराखंड के थीम लेके इसे बनाया हुआ है। यहाँ के जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वो ज़रा बताएंगे। तो ये सारा प्रोडक्ट हमारा पहाड़ से आता है और ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल ऐड नहीं है। जैसे 6 मंथ का कल्टीवेशन हार्वेशन होता है तो ये 6 मंथ में ही हार्वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैरायटी मिल जाती है। सिसमी सीड मिल जाता है, टर्मरिक मिल जाता है, उसके बाद रेड चिली पाउडर मिल जाता है, उसके बाद मेन आता है एक पहाड़ी नमक जो इजीली हम लोग होम बनाते हैं घर पे, जो गढ़वाली लोग हैं। बट हम लोग इसको और जगह भी फेमस करना चाह रहे हैं, जो आउटसाइडर है दे विल ऑल्सो नो कि पहाड़ी नमक क्या होता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक आइटम एंड ऑर्गेनिक एज वेल। इफ यू गो दिस साइड, बेस्ट बासमती राइस ऑर्गेनिक, ओके, केम फ्रॉम देहरादून ओनली। देहरादून बासमती, यस, इट्स अ देहरादून बासमती। ये और मेन थिंग इट्स अ ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बताया हमारा सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। इसमें आपकी हेल्थ को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें राइस आ जाता है, फिर हमारे पास आता है रेड राइस। बहुत कम लोगों को पता होता है कि रेड राइस भी एक चीज़ होती है और ऊपर से ये ऑर्गेनिक है। रेड राइस हमारा ये उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी जिले से, ये सारे ज़िले जो हमारे मैप में बने हुए हैं, ये उत्तराखंड के ही सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ से ही सारा सामान हमारा इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से सारा सामान इंपोर्ट होता है और यहाँ पे हमारी पैकिंग होती है यहीं पे। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग महिला संस्थान को एक ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं और एक मतलब रोज़गार भी दे रहे हैं। जैसे गाँव में महिलाओं को वर्क नहीं मिल पाता तो ये महिलाओं द्वारा ही करा गया है, तो हम इसके द्वारा, हमारे एनजीओ के द्वारा, हम उन लोगों को थोड़ी हेल्प भी करते हैं, एम्पावरमेंट को बढ़ा। हाँ, मैन उनको भी थोड़ा एक पहचान दिला रहे हैं और उनको रोज़गार दिला के मतलब गाँव छोड़ने में मजबूर वो कर रहे हैं, प्लान ना करें। इसी में फिर हमारी आती है राजमा। राजमा हमारी अलग अलग ज़िले से आती है, जैसे चित्रा राजमा होगी जो चक्राता से आती है। उसके बाद हमारे पास आती है हर्षिल राजमा, केम फ्रॉम हर्षिल। हर्षिल राजमा के लिए बोला जाता है इट्स द बेस्ट राजमा, ओके। एंड वी हैव द जोशीमठ राजमा एज वेल। सो हमारे पास 4-5 वेराइटी की राजमा है, ये सारा आपका ऑर्गेनिक है। इसी में सर हमारे बास्केट आ जाते हैं, ये है बीमल प्रोडक्ट। लाइक कि जो गांव में हमारा बीमल होता है उसके हम रेशो से ये बनाते हैं, तो ये सारा हैंडमेड है और महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब हैंडमेड है और बीमल जो हमारा वेस्टेज होता है उस वेस्टेज से ये बनाते हैं। तो इससे क्या है, एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है और हमारा कुछ आउटकम भी निकल जाता है। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी जो है जो गाँव से महिलाओं द्वारा की जाती है और हम लोगों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मंडवे का आटा। ये आटा, इसको हम रागी बोलते हैं, अगर किसी को मंडवा ना पता हो तो इस इंग्लिश टर्म इज़ रागी और गढ़वाली में इसको बोलते हैं कोदा। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, रिच होता है और आपके जो प्योर आटे में जो मिलता है ना, आपका जो व्हीट होता है उससे ज़्यादा हेल्दी मंडवा होता है। तो इस ये भी ऑर्गेनिक है, आज की डेट में ऑर्गेनिक नहीं मिल पाता है, तो ये भी हम फ्रेशली गैदर्ड फार्म से लेके आते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक है।
इसी में फिर हमारा कुट्टू का आटा आ जाता है। कुट्टू का आटा बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे किसी का बर्थ है कुछ है तो वो लोग लेकिन है कुट्टू का आटा। ओके, और इसी में फिर आ जाता है हमारा झंगोरा। एमरंथ, ये आपका एमरंथ है। एमरंथ में आपको, एमरंथ को हम दूसरे वे में बोलते हैं चौलाई। अगर किसी को एमरंथ ना पता हो तो इसको बोलते हैं चौलाई। आपने चौलाई के लड्डू खाए होंगे, तो ये भी हमारा फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमारा पहाड़ से ही आता है। एक और चीज़ बच गई है, एक आपका है झंगोरा। झंगोरा यूजुअली किसी को यहाँ पे ज़्यादातर पता नहीं है कि झंगोरा होता क्या है, बट आई विल टेल कि हमारे पास झंगोरा आता है। और बेसिकली झंगोरा हमारे पहाड़ में ही होता है, अदर सिटीज़ में अदर उसमें नहीं होता। तो दिस इज़ द वन विच इज़ बेस्ट इन रिचनेस और आपकी प्रोटीन और जितना भी सब कुछ है, शुगर वगैरह के काफ़ी सब कुछ उसके काफ़ी काम आता है। और ये जो मेन इसका पर्पस है, वैसे इसको ब्रोकन व्हीट बोलते हैं अगर किसी को झंगोरा ना पता हो तो। ये भी एक यूनिक आइटम है जो हमारे खाली उत्तराखंड में ही मिला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी ऑर्गेनिक हैं और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब आप ये ऊपर सारी मैट देखेंगे, ये मैट्स जो लगी हैं ऊपर, ये मैट्स हो गया, वो टोपी हो गई, और वो जो बैग्स हैं वो सारे हैंडमेड हैं। ये सारे जूट द्वारा बनाए जाते हैं। वो ये सारे ना जमीन आपको ये भी सेम प्रोडक्ट का बनता है। ठीक है, ये भी हैंडमेड है सारा का सारा। तो ये एक उनकी क्रिएटिविटी है जो महिलाओं द्वारा की जाती है। ठीक है, और टी के बारे में बता देते हैं आप। ओके, टी के लिए वी विल गो दैट साइड। ओके, टी वी हैव वेरियस टाइप ऑफ, आप उसको पॉज करते हो। हियर वी हैव लाइक 24 वैरायटी ऑफ ग्रीन टी। ओके, एंड वी हैव, हमारे पास हनी भी आता है जो 6-5 तरह का हमारे पास हनी प्रोवाइड होता है। हनी में हम लोग हनी में इसमें ना लीची फ्लेवर, तुलसी फ्लेवर और इकोलेप्टस नीम और जामुन के फ्लेवर में हमारे पास हनी आ जाता है। और एक हमारे पास आता है वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, जो जंगली हनी होता है, प्योर वहीं से ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मार्केट में मिलती नहीं है। ये हमने थोड़ा सा इन्वेंशन करके, ये ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट है, इसमें भी कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, सो इट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। फिर हमारे पास आ जाते हैं टी की तरफ। टी हमारे पास 24 वेराइटीज़ ऑफ टी हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी रोज़ ग्रीन टी। अब रोज़ ग्रीन टी के फ़ायदे क्या होते हैं और आप बोलेंगे कि इसमें क्या यूनिक है, तो हमारी जो टी है उसमें हम लोग फ्रेश लीव्स यूज़ करते हैं, रोज़ के फ्रेश लीव्स और फ्रेश टी लीव, ग्रीन टी लीव्स यूज़ करते हैं। सो ये भी सारा ऑर्गेनिक है। हमारी टी बेसिक आइटम जो रोज़ है, लेवेंडर है और लेमन ग्रास है और आपका कैमोमाइल है, वो हमें यहीं पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट द ग्रीन टी इज केम फ्रॉम आसाम, क्योंकि वो आसाम का बेस्ट आइटम होता है। तो आसाम से हम लोग स्पेशली फ्रॉम आसाम क्योंकि आसाम की टी बेस्ट होती है। और ये इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स लाइक अ प्योर लीफ। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये एक प्योर लीफ है। जो हमारे घर पे यूज होता है वो वेस्ट होता है, दाना वाला जो होता है वो वेस्ट होता है, दिस इज द प्योर वन। तो इसी में हमारी बहुत सारी अलग अलग टी आ जाती है, हमारी वैरायटी। जिन लोगों को ग्रीन टी के शौकीन हैं उन लोगों को बहुत सारी आइटम मिल जाते हैं, तो मतलब रोज़ के लिए ट्राई करने के लिए। जैसे इसमें आ जाता है आपका लेवेंडर ग्रीन रोज़ टी। लेवेंडर ग्रीन रोज़ टी में लेवेंडर, ग्रीन टी और रोज़ हो जाता है। ठीक है, इसमें तीन आइटम मिक्स हैं। इसी के साथ फिर हमारा आता है जैस्मिन ग्रीन टी। जैस्मिन ग्रीन टी में आपको जैस्मिन के फ्रेश बर्ड्स और ग्रीन टी की फ्रेश लीव्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी का। इसमें हमारा कश्मीरी कावा भी आ जाता है। कश्मीरी कावा फ्रेश इसकी लीव रहती हैं, और इसमें सिनेमन, कार्डिमम और जो आपको ना विंटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लाइक वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है। तो ये कश्मीरी कावा इज़ गुड फॉर जो सर्दियाँ होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी में फिर हमारे पास तीन टाइप की टी आ जाती है, विच यू कैन हैव विद द मिल्क, जिसको आप मिल्क के साथ पी सकते हैं। तो उसमें आता है, पहले फर्स्ट आती है बॉम्बे कटिंग चाय। ओके, और सेकंड आती है उसमें इलायची कड़क चाय, और इसमें तीसरी आ जाती है आपकी कैरेमल स्पाइस चाय। ठीक है, इनमें
इनमें जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं इसमें आसाम टी और कार्डेमम रहता है आपका इलायची कड़क चाय में, और आपका बॉम्बे कटिंग चाय में आसाम टी और कार्डेमम रहता है, और आपका कैरेमल स्पाइस चाय में आसाम टी, सिनेमन और नेचुरल जो आपका एक कैरेमल निकलता है ना प्लांट से, तो इट विल बी देयर. सो इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड इसका जो टेस्ट है इट विल ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रॉम द टी रेगुलर टी. हाँ, डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर टी, क्योंकि ये फ्रेश है, इनका फ्रेश वो होता है, फ्रेश लीव्स है एंड फ्रेश हमने इनका तो अपना शायद अरोमा भी रहता है, इनका बहुत अच्छा अरोमा रहता है. आपने अरोमा की बात की तो मैं आपको इसका अरोमा, आई कैन शो यू द अरोमा, यू कैन जस्ट स्मेल इट एंड जस्ट टेल इट. Feel the it's nice like, aroma. Yeah, totally yeah. different from the regular one. Yes, this is the like the fresh teas which we are using. कैसा लग रहा है सर? Yeah, different है काफी ना? Different concept है और बहुत अच्छा है, और ये भी आपकी health के लिए बहुत अच्छा है. Okay, और जब अगर हम बात करते हैं green tea की, तो green tea के भी आप बहुत सारे benefits हो जाते हैं. It protects you from the cancer. Okay, आपका वेट लूज करने में, फैट बर्न करने में, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में. दीज डेज करोना का वजह से लाइक की पूरी दुनिया मतलब इधर से उधर हो रखी है, तो दिस टाइम यू कैन हैव दिस ग्रीन टी. इट विल बिल्ड योर इम्यूनिटी सिस्टम. ओके, एंड फिर इसमें आ जाते हैं हम. हमारे पास तीन ऐसी टी हैं जो सेगमेंट में आपको कहीं नहीं मिलेंगी. उसमें आ जाता है हमारा हिमालयन वाइन टी. वाइन टी है हमारे ग्रीन टी, इसमें प्योर ग्रीन टी है और इसमें वाइन का आपको एक अरोमा आ जाता है. तो वाइन है, वाइन का तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. यू विल नॉट फाइंड आउट इन ऑल केदर, ये पूरे देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में यू कैन नॉट फाइंड आउट. ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, तो दोज हु आर लाइक जो तो जिनको हैबिट होती है, जो शौकीन होते हैं, जो शौकीन बोलते हैं ना, तो वो ये टी ले सकते हैं. जैसे वाइन टी हो गया, रम टी हो गया और ब्रांडी टी हो गया. सो ये टी हमारी थोड़ी डिफरेंट टी है, जो बिल्कुल अलग सेक्शन, अलग बिल्कुल अलग सेक्टर से आ गई है. तो ये चीज़ डिफरेंट है और इसमें ना आपका अल्कोहल नहीं है. ओके, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये खाली इसमें आपको एक ग्रीन टी का फुल आपको वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलेंगे, और बट जो फ्लेवर होगा वो रम का फ्लेवर आएगा. तो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो और इन गुड फॉर टेस्ट ऑल्सो, मतलब आपको पीने में भी इसको थोड़ा अच्छा लगेगा. अदरवाइज क्या होता है, लोग ग्रीन टी लेते हैं 2-3 days दे विल हैव और अदर आफ्टर दैट दे नॉट कंज्यूम. ओके, सो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि लोग ग्रीन टी को ज़्यादा वो प्रमोट करें, और उसी लिए हमने टेस्ट अलग अलग करे हुए हैं, जिससे वो लोग इससे मतलब बोर ना हो जाए और वो डेली बेसिस पे पी सकें. ठीक है, सो ये हमारा टी का पूरा सेशन था. ओके, ठीक है. और आप सर, ये कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, ये हमारा हमारे दीज आर द बैम्बूज आइटम. ओके, दिस मेड फ्रॉम हैंड. ओके, ये भी सारा हैंडमेड प्रोडक्ट है. टिपिकल हैंडमेड. हाँ, हैंडमेड प्रोडक्ट है. ये हो गया है आपके लैंप्स हो गए हैं, लैंप्स हो जाते हैं, उसके बाद हैंगिंग लाइट्स हो जाती हैं आपकी. ये सारा बैम्बू आइटम है और ये सारा हैंडमेड है. ओके, दीज ऑल आर हैंडमेड विच इज़ मेड बाय The woman who is working in Gadwal. ये सारी का जो वो है जो क्रिएटिविटी है दे डिड दिस. इसी में हमारा एक बैम्बू ये आता है, हमारा मैगजीन होल्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, टिश्यू होल्डर भी बोल सकते हैं, वेरियस टाइप में आप इसमें किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी हैंडमेड आ जाती हैं. ठीक है, और इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको किसी को देना है, जैसे माता को, बहनों को, रिलेटिव किसी को भी, तो आप दे सकते हैं. दिस चीज क्या होता है लाइक कि हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, लाइक दिवाली, होली, जो हमारा प्रॉपर जो हमारे वो है त्यौहार, तो उसमें हम क्या करते हैं लाइक स्वीट्स देते हैं, विच इज़ नॉट ज़्यादा लोग नहीं खा पाते हैं. कॉमन है. हाँ, कॉमन है. तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप ये हैम्पर बनवा सकते हैं. इसमें आप कुछ भी अपना सिलेक्शन करके, जितने भी हमारे पास आइटम है उसको कस्टमाइज़ करके, आप इसको हैम्पर को एक गिफ्ट के तौर पे, और एक जैसे किसी के यहाँ जाते हैं किसी को गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट देना है, सो ये उसके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और ही विल रिमेम्बर ऑल्सो एंड ही विल यूज़ दिस आइटम्स. तो ये वेस्टेज. हाँ, तो ये वेस्टेज नहीं होगा, समथिंग न्यू होगा, और ऊपर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उनकी हेल्थ में वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी.